अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माई सेकेंड वीडियो। सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट MS Word। आज की वीडियो में आपको MS Word के बारे में बताया जाएगा कि MS Word की कौन कौन सी टैब्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताती हूँ मैं कि MS Word को आपने अपने कंप्यूटर में ओपन कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कंप्यूटर को पहले रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के लिए राइट क्लिक करना है, तो आपके पास थर्ड पे ऑप्शन आ रहा है रिफ़्रेश का। और इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की है F5, वो भी प्रेस करके आप अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक बटन शो हो रहा है स्टार्ट का, आपने इसको ओपन करना है। देन यहाँ पे आपने टाइप करना कि आपने कोई कौन सी चीज़ सर्च करनी है। लाइक हमने अपना MS Word सर्च करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली M टाइप करेंगे तो हमारे पास MS Word आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास MS Word ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे मेरे पास एक प्रीव्यू है जिसमें MS Word के टैब्स के बारे में लिखा गया है, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका थोड़ा सा बताती चलूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट पे हमारे पास ये 3 बटन्स बने हुए हैं, ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होती है, ठीक है। और ये हमारे पास ऑफिस बटन होता है बेसिकली। देन हमारे पास ये जो बटन है ये रूलर है, और लास्ट पे हमारे पास ये स्टेटस बार दी गई है। और जो फ्रंट पे है वो है हमारे पास टाइटल बार, और ये जो बटन है ये बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। अपने प्रोग्राम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इस बटन से हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। हमारे पास साइड पे एक लाइन सी बनी हुई है, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। पे हमारे पास ये जूम का बटन दिया हुआ है, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम कर सकते हैं। सो नाउ कम बैक टू द पॉइंट कि MS Word हमारे पास बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम फाइल टैब के बारे में देखेंगे कि फाइल टैब में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फाइल टैब में हमारे पास सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट टू PDF, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड और एग्जिट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले सेव का देखते हैं। तो सेव का बटन हमारे पास बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है। सेव का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम रेडी करते हैं तो हमने इसको सेव करना है, तो सिंपली यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। अगर आप Ctrl+S करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है सेव एज। अच्छा, सेव एज का पर्पज़ क्या है? सेव एज का बेसिकली पर्पज़ ये है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं, कि आपका डॉक्यूमेंट एक अलग से फोल्डर में सेव हो, तो आप सेव एज करेंगे और वहाँ से अपने सिलेक्टेड फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट को ईजिली सेव कर सकेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास सेव और सेव एज का डिफरेंस है। इसके बाद है हमारे पास एक्सपोर्ट टू PDF। फॉर सपोज़ अपने डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्म में शेयर करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली यहां से अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF फॉर्म में। इसके अलावा है हमारे पास ओपन का। तो फॉर सपोज़ आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आपने पहले से रेडी करके रखा हुआ, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सिंपली उसको ओपन कर सकते हैं। और क्लोज़ करना हो तो आप यहाँ से सिंपली उसको क्लोज कर सकते हैं। और न्यू पेज या न्यू शीट ओपन करनी हो तो यहाँ से सिंपली आप उसको न्यू ओपन कर सकते हैं। प्रिंट का बेसिकली इसे यूज़ होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहां से प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेव एंड सेंड का, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करेंगे और बाद में जहां पे भी आपने सेंड करना हो तो आप इजीली यहां से सेंड कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे तो आपकी जो भी प्रीवियस शीट होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी, मतलब वो बंद हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली जो मैंने यूज़ किए हैं फोल्डर, जो मैंने ओपन कर चुकी हूँ, तो यहाँ से आप सिंपली उनको भी ओपन कर सकते हैं। और ये हमारे पास रिसेंट प्लेसेस के, मैंने रिसेंट जिन जिन फोल्डर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव किया ये सारी उनकी लिस्ट अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे। और इसके बाद हम देखते हैं होम टैब। होम टैब में मेरे पास कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। आज हम होम टैब के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट का ऑप्शन है, कॉपी का है और फॉर्मेट प्रिंटर का है। कट का हम देखते हैं कि अगर आप कट का बेसिकली हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट अवेलेबल है और हम चाह रहे हैं कि हमारी वहाँ से कट होकर हमने न्यू जगह पे उसको पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे कट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है हमारे पास Ctrl+X। और सेकेंडली हमारे पास है कॉपी का। फॉर सपोज हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है, हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर भी अवेलेबल रहे और जहाँ पर हमने उसको पेस्ट करना है वहाँ पर भी, मतलब दो जगहों पर हमारा सेम डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम सिंपली Ctrl+C करेंगे और जहाँ पर हमने पेस्ट करना होगा वहाँ पर क्लिक Ctrl+V कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है फॉन्ट का ग्रुप। फॉन्ट का ग्रुप देखने के लिए सबसे पहले हम कुछ भी टाइप करते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप की है,
तो इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास बहुत इसका साइज़ छोटा है, मैं इसका साइज़ इंक्रीज करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मैं इसका साइज़ ईजिली इंक्रीज़ कर सकती हूँ। इसके साथ ही मेरे पास इसके लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ से मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस मेरे पास अवेलेबल हैं, यहाँ से मैं कोई भी लैंग्वेज इसको असाइन कर सकती हूँ। तो इसके बाद मैं चाह रही हूँ मुझे बोल्ड होके नज़र आए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और इसके बाद मैं इसको यहाँ से, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिंपली बोल्ड कर दूंगी, तो ये यहाँ हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल देना चाह रही हूँ तो यहाँ से इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, अगर इसको ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी प्रीवियस कंडीशन में वापस आ जाएगा, और यहाँ से बोल्ड अगर ख़त्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो उसकी पहले वाली कंडीशन थी उसमें वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अंडरलाइन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर मैं इसको सिंपल भी यहाँ से अंडरलाइन कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी थोड़ी सी अंडरलाइन थोड़ी सी थिक टाइप की हो, तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से ओपन करूँगी, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के अंडरलाइंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ से कोई भी अंडरलाइन मैं यहाँ पे चूज़ कर सकती हूँ, अंडरलाइंस के कलर्स भी चूज़ कर सकती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन है, तो ये यहाँ से भी हम इसकी सेटिंग सारी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है स्ट्राइक थ्रू का, फॉर सपोज अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या चेंजिंग अवेलेबल होती है, ये आपके पास एक दरमियान में छोटी सी लाइन लगा देगा, जितना पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट किया या कोई भी वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक लाइन अपीयर कर देगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर फॉर सपोज हम स्क्वायर रूट लगाना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्ट करना चाह रहे हैं अपने डाटा को, तो हम यहाँ से इजीली अपने डाटा को सब्सक्रिप्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से है कि यहाँ पे आपके पास एक स्मॉल सा लेटर ऊपर अबव यहाँ पे आपको शो करवा देगा, यहाँ से आप अपने डाटा का साइज इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आप केस चेंज कर सकते हैं, फॉर सपोज मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया वो लॉयर केस में मुझे शो हो, तो मैं अगर ये प्रेस करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये लॉयर केस में मुझे शो करवाएगा, अगर मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अपर केस में सारा शो हो तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगी तो मेरे पास सारा अपर केस में शो हो जाएगा, और अगर मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो मैं अगर उसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकती हूँ, कोई भी कलर, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास सेकंड पे दिया होगा, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉर सपोज मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो जाएगा। आई होप आपको आज के लेक्चर में MS Word के प्रीव्यू के बारे में और MS Word की फाइल टैब के बारे में क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह MS Word की होम टैब के बाकी ग्रुप्स के बारे में, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में फर्दर बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।